हेलो एंड वेलकम टू अनकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं इमरान खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनकर डिजिटल पॉइंट है। 2021 की आज बिल्कुल लेटेस्ट कंपनी आपके लिए आपका भाई लेकर आया, जहां पर आप घर बैठे पूरे 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको जरूरत है एक शॉर्ट टर्म लोन की, छोटे लोन की 1.5 लाख रुपए तक, आप इस कंपनी से अप्लाई कर सकते हैं, जो कंपनी आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है। आरबीआई से अप्रूव्ड एनबीएफसी है, टेंशन फ्री होकर आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आपको ये कंपनी लोन देगी बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में। कैसे आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले, वीडियो की बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जो आपको दे सकती है घर बैठे लोन। चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे लोन, उसके लिए आपको क्या करना है, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर एक बड़ी ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी दिखाई देगी जिसका नाम है प्रेफर क्रेडिट। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आरबीआई से अप्रूव्ड है। आप देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पर, प्रेफर क्रेडिट गेट इंस्टेंट लोन अंडर ए मिनट, यानी एक मिनट या दो मिनट के अंदर आपको यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का लोन ये कंपनी दे सकती है। 4.0 रेटिंग आती है इस एप्लीकेशन के, 100K प्लस डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन है 2021 की। ये एक जबरदस्त वाली फाइनेंस कंपनी है, न्यू एप्लीकेशन है, जहां पर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं डिटेल में बात करूं गाइस, कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन देती है, जो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर आप यहां पर चेक कर सकते हैं, हेल्थ कार्ड आपको यहां मिल जाएगा, इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म लोन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको यहां पर टर्म लोन भी मिल जाएगा, पर्सनल लोन ले सकते हैं अगर आप एक सैलरीड हैं। इजी रीपेमेंट ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा, आपको यहां पर कम से कम 30,000 रुपए का लोन, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर हम बात करें कितने दिन के लिए आपको लोन मिलेगा, तो गाइज आपको यहां पर 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के लिए लोन मिल सकता है, और ये लोन आपको मिल सकता है 18% से लेकर 36% सालाना ब्याज पर। प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है 2% से लेकर मैक्सिमम 3% तक, जितना भी लोन आप यहां पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन 24% पर एनम के इंटरेस्ट पर 12 महीने के लिए, तो प्रोसेसिंग फीस आपकी होगी यहां पर 2,000 रुपए, इंटरेस्ट लेगा आपका 24,000 रुपए, टोटल रीपेमेंट आपको यहां पर करना होगा 1,26,000 रुपए का। लोन लेने के लिए आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, आपके मोबाइल नंबर से, आपकी ईमेल आईडी से। इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना होगा, जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी डालनी होगी सबसे पहले, तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहां पर डालना होगा, अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर डालनी है और आपने लॉग इन कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहां पर परमिशन देनी होगी, इसको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, अलाउ करना है, जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोले आपने इसको अलाउ करना है। जैसे आप ये सब कुछ कंप्लीट फिल कर देंगे, उसके बाद आपके सामने पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे गाइस, अप्लाई फॉर ए लोन नाउ का एक टैब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और अगर आप नीचे देखेंगे आपको यहां पर लोन्स, ट्रैकिंग क्रेडिट स्कोर, हेल्थ कार्ड देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल लोन की, आप यहां पर लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर पर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस यहां पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो अभी मैंने कंप्लीट नहीं की है, मैंने यहां पर बीच में छोड़ रखी है, और यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, अपने पास रख लीजिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहां पर लोन ले सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी मदर नेम आपको यहां पर डालना होगा, जेंडर चूज करना होगा आपको यहां पर, डेट ऑफ बर्थ अपना यहां पर डालना जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो, पर्सनल ईमेल आईडी आपको यहां पर डालनी होगी, पैन कार्ड का नंबर, कितना लोन आपको चाहिए आपको यहां पर वो बताना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर पर्सनल डिटेल फिल कर देंगे और प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको यहां पर एड्रेस डिटेल देनी होगी, आपको बताना होगा अपना करंट रेजिडेंस टाइप, आप जिस घर में रहते हैं वो आपके खुद का है, किराए का है, जो भी आपने यहां पर चूज करना है। उसके बाद गाइज आपको यहां पर आपका करंट एड्रेस डाल देना है, उसके बाद गाइज आपको नीचे आपके एरिया का पिन कोड डालना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद गाइज आपको यहां पर वर्क इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके अंदर आपको आपके बिजनेस का नाम यहां पर बताना है, बिजनेस एड्रेस आपको यहां पर बताना है,
आपने बिजनेस का पिन कोड जो भी है आपको यहां पर वो बताना है। उसके बाद गाइस नीचे आपको यहां पर जो है ये बताना है कि आपका जो बिजनेस है वो कितने दिन पुराना है, आपके पास आईटीआर है या नहीं है, जीएसटी है या नहीं है, ये डिटेल आपने सही तरीके से फिल करनी है और आपने प्रोसीड कर देना है। जैसे गाइस आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब आपको यहां पर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर पर आपकी एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहां पर डालनी है और वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको इंस्टेंटली लोन के लिए ऑफर मिलेगा। अगर आपको लोन के लिए ऑफर मिलता है उसके बाद आपको यहां पर केवाईसी करनी होगी, अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी है, आधार कार्ड की फोटो करनी है अपलोड, अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। अगर आपको यहां पर लोन के लिए अप्रूवल मिलता है, लोन के अप्रूवल मिलने के बाद आपको यहां पर ई साइन एग्रीमेंट करना है और लोन को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले लेना है बैंक अकाउंट डिटेल देने के बाद। इस तरीके से आप घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रेफर से। अगर आपको यहां पर लोन के लिए ऑफर मिलता है तो आप यहां पर केवल 2 से 4 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट स्टेप वीडियो आपके लेकर आऊं, मैं आपको यहां पर लोन लेकर दिखाऊं, तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मुझे लोन नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। आगे का स्टेप मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो साथ। आज के लिए बस इतना। ये वीडियो बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।